राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। द्वारका का सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन ब्रिज जो 5 महीने में ही अपनी खूबसूरती खो चुका है, कई जगहों से सीमेंट उखड़ गई है, नीचे लगी लोहे की छड़े दिखाई देने लगी है, कुछ जगहों पर तो साइड की दीवारों से प्लास्टर उखड़ चुका है, रेलिंग में भी जंग लग गई है। पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की तस्वीरें सामने आने के बाद कलेक्टर से लेकर सांसद तक एक्टिव हो गए हैं। वहीं गुजरात कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने ब्रिज की तस्वीरों को साझा कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गुजरात विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को टैग करके निशाना साधा है। लिखा, देखिए नरेंद्र मोदी का गुजरात का करप्शन मॉडल, पहली बारिश में गड्ढे पड़ने शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने 25 फरवरी को सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया था। पीएम मोदी ने कहा था, ये पुराने और नए द्वारका के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगा। यह पुल गुजरात के ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। इस ब्रिज को पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बदलकर सुदर्शन सेतु या सुदर्शन ब्रिज कर दिया गया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।